राधे राधे आप सभी को। आज हम बनाना सीखेंगे जलेबियाँ, बिल्कुल करारी और बिल्कुल मार्केट जैसी, एकदम परफेक्ट शेप वाली। तो आज मैं आपको परफेक्ट शेप वाली जलेबियाँ बनानी सिखाऊंगी, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। ना ही घंटों पहले घोल को भिगो के रखने की ज़रूरत, ना ही दही डालने की ज़रूरत, सिर्फ 5 मिनट में जलेबियाँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 1 कटोरी मैदा चाहिए, 1 चम्मच सूजी, चाशनी के लिए थोड़ी सी चीनी 1 कटोरी, मैदा में डालने के लिए इनो, थोड़ा सा पानी चाशनी के लिए और मैदा को घोलने के लिए। ये देखिए, सबसे पहले हम अपनी चाशनी चढ़ा देते हैं। तो 1 कटोरी चीनी ली है मैंने, अब इसको मैं भगोने में डाल दूंगी और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँ। पानी थोड़ा सा ही ऐड करना है ताकि हमारी चाशनी जल्दी तैयार हो जाए। और इसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया है, कलर हम चाशनी में ही डाल देंगे। रेड कलर की खानी है तो रेड कलर, और येलो कलर की खानी है तो येलो कलर, जो भी आपको पसंद हो फ्लेवर। अब हम घोल तैयार कर लेते हैं, जब तक हमारी चाशनी पकती है तब तक घोल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैदा में बहुत थोड़ी सी इनो डालनी है, ये नहीं कि सारा पैकेट डालना है, बस थोड़ी सी इनो। ये देखिए, थोड़ी सी डाली है मैंने। अब इसमें पानी डाल के इस घोल को मैं तैयार कर लूँगी। घोल को एक ही साइड को फेंटना है, उसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो फिर हमें जलेबियाँ बनाने के टाइम पे दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे घोल को हम तैयार कर लेंगे। अभी ये गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा पानी और डालती हूँ। चलिए, ये ऐड कर दिया थोड़ा और पानी। अब इसको फिर फेंट लेते हैं। जब तक हमारा घोल बिल्कुल अच्छे से तैयार ना हो जाए तब तक इसको ऐसे ही घुमाते हुए फेंटना है। ये देखिए, ये मेरा घोल अच्छे से तैयार हो गया है। ये ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये घोल एकदम परफेक्ट है, देखिए इस तरीके से। अब हम एक पिन्नी ले लेते हैं। पिन्नी का आप चाहे तो दूध का खाली पैकेट भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके की पिन्नी, उसका ऐसे किनारे निकाल देते हैं और फिर उसे थोड़ा सा हल्का सा कोने से काट लेते हैं। सूजी हमें बिल्कुल पिन्नी में डालते टाइम ही ऐड करनी है, नहीं तो ये सूजी फूल जाएगी और हमारी जलेबियाँ फिर नरम बनेंगी। सूजी नहीं, अगर आपके पास चावल का आटा है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब बिल्कुल मैं डालूंगी अब पिन्नी में, तो इसलिए मैंने बिल्कुल डालते टाइम ये तैयार किया है। अब एक कटोरी में पिन्नी रखिए और उसमें इस तरीके से सारा पेस्ट अपना डाल लीजिए और ऊपर से उसमें इस तरीके से देखिए रबड़ चढ़ा दीजिए। अब ये हमारी चाशनी चेक कर लेते हैं, चाशनी भी तैयार है। अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे क्योंकि हमारी चाशनी तैयार हो, और चाशनी को एक कटोरी में निकाल लेंगे क्योंकि जलेबियाँ अच्छे से डूबनी चाहिए। तो वो अब ये कटोरी हमारी चाशनी से भर जाएगी तो इसमें जलेबियाँ अच्छे से डूब जाएंगी। ये देखिए, ये अब मैंने इसमें निकाल लिए। चलिए, अब हम जलेबियाँ बनानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में चिकनाई चढ़ा लेंगे। रिफाइंड डालडा, देसी घी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। ये देखिए, जलेबी बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि बीच से जहाँ से जलेबी आपको स्टार्ट करनी है उसका लास्ट भी वहीं पे करना है, नहीं तो आपकी जलेबी का जोड़ खुल जाएगा, उसकी शेप प्रॉपर नहीं आएगी। ये देखिए, ये मैं जहाँ से स्टार्ट करती हूँ लास्ट भी वहीं पर करती हूँ, तो इससे शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है। और आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए, एक तरह से ये सोचिए कि आप जैसे कोई ड्राइंग कर रहे हो, उसी तरीके से आपको जलेबियों का शेप देनी है। ज़्यादातर लोगों की जलेबियों की शेप नहीं आती है, उसका रीज़न ये है कि या तो हाथ हिल जाता है या फिर हम उसका जॉइंट अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट से अलग कर देते हैं, तो इसलिए वो फैल जाती हैं और जलेबियों की प्रॉपर शेप नहीं आती है। ये देखिए, अब इनको हम इस तरीके से पलट देंगे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक, धीमी धीमी आँच पर पकाते हुए। अब हमारे देखिए जलेबियों का कलर अच्छा आ चुका है, तो अब हम एक एक करके जलेबियों को निकाल के चाशनी में डाल देंगे। इस तरीके से चिकनाई झाड़ के उनके अच्छे से
और ये हम चाशनी में डुबो देंगे। चाशनी में ऐसे कई बार हमें डिप करनी है, ये देखिए जैसे जैसे चाशनी में डिप करेंगे वैसे वैसे उसमें चाशनी भर जाएगी अच्छे से और हमारी जलेबी एकदम रस भरी हो जाएंगी। ये देखिए ये पूरी चाशनी इसने पी ली है, बहुत अच्छी बनी है हमारी जलेबी, एकदम करारी और एकदम मार्केट से ऐसी, देखिए। अब हम सारी जलेबियों को चाशनी में डुबो देंगे फटाफट, ये देखिए ये मेरी जलेबियाँ तैयार हैं। आइए आप सभी भी खा लीजिए, बिल्कुल मार्केट से ऐसी जलेबियाँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।